टाउन हॉल हमीरपुर में चल रही 3 दिवसीय जिला स्तरीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी पीसी राणा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में विजेता और उप विजेता रहे खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा मुख्य अतिथि पीसी राणा को सम्मानित भी किया गया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में कुल 300 के लगभग प्रतिभागियों ने सीनियर वर्ग अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15, अंडर 13 सिंगल्स व डबल्स स्पर्धा में भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पीसी राणा ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए आयोजकों की तरफ से की गई मांगों को जल्द पूरा करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि आयोजकों और संघ की तरफ से जो मांगे रखी गई है उन्हें पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। बहुत अच्छा टूर्नामेंट थे, बहुत अच्छे बच्चे विनर रहे यहाँ पे। अच्छा टूर्नामेंट मैं देख रहा था यहाँ पे। ये जो एसोसिएशन है यहाँ की बहुत अच्छा कार्य कर रही है अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने बैडमिंटन को प्रमोट करने के लिए। सर यहाँ पे मैंने अभी सुना था यहाँ पे नेशनल प्लेयर भी निकले हैं और यहाँ की नेशनल फिगर भी अपना शर्मा जी हैं जो इंटरनेशनल अपना जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन के। और इसको प्रमोट करने के लिए अभी तो हम लोगों का सौभाग्य है कि खेल मंत्री भी यहाँ के हैं, तो इसको काफ़ी प्रमोशन के चांस हैं। जो भी यहाँ पे इनको जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन की है, मैंने इनको मैं चीफ गेस्ट हूँ, मैं आश्वासन दिया है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे कुछ आइटम चाहिए आपको, इक्विपमेंट चाहिए ग्राउंड के लिए, कुछ उन्होंने मैट के लिए बोला है, उसके लिए हम उसको थोड़ा ऊपर लाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे उसको कर देंगे। नहीं कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का कहीं नाम हो, क्योंकि खेल मंत्री हैं हमारे तो बच्चों का भी तो नाम होना चाहिए। थैंक्स सर। जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष सुशील सोनी ने कहा कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन हुआ है। समापन समारोह में विभिन्न श्रेणियों में विजेता और उपविजेता रहे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज जिला हमीरपुर बैडमिंटन चैंपियनशिप तीन दिन पहले इसका ओपनिंग हुई थी, आज इसका समापन श्री पीसी राणा जी जो कि बेसिकली हमीरपुर जिला के रहने वाले हैं लेकिन जलंधर में सेटल्ड हैं, वहाँ पे ये इनकी अपनी स्पोर्ट्स की फैक्ट्री है और ये खुद भी एक हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं, तो आज हमारा सौभाग्य है कि उनसे हमें यहाँ इस प्रतियोगिता का समापन करवाने का अवसर मिला। तक चली और जो विजेता खिलाड़ी हैं और उपविजेता उनको सभी खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि के द्वारा इनाम दिए गए, मोमेंटो भेंट किए गए और अब इन्हीं प्लेयरों में से हम टीम का चुनाव करेंगे जो कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हमीरपुर में सीनियर वर्ग की तो हमीरपुर में होगी और बाकी जो इवेंट्स हैं उनकी जहां भी होगी वहीं से इन प्लेयरों की टीम का चयन किया जाएगा। वहीं ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त सचिव राजेंद्र शर्मा ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलता है। एसोसिएशन का हमेशा से ही यह प्रयास है कि खिलाड़ियों को इस तरह की स्पर्धा के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। खेल संघों में हमेशा यह प्रयास रहता है कि वो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मंच प्रदान किया जाए, तो हमारा ये जो जिला स्तर है इस पर जो प्रतियोगिताएँ होती हैं इसमें उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है और जो बच्चे यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होता है। निश्चित रूप से जब भी इस तरह का आयोजन होता है तो बच्चों को अपने खेल कौशल को दिखाने का एक मौका मिलता है और जो बच्चे यहाँ पर एक्सेल करते हैं, अच्छा खेलते हैं और अच्छे खेल के माध्यम से उच्च श्रेणी में आते हैं, उन्हें आगे जो भी भविष्य में टूर्नामेंट्स होते हैं राज्य स्तरीय होते हैं राष्ट्र स्तर के होते हैं वहाँ जाने का इन बच्चों को मौका मिलता है।